गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है अपना 7, द मैन हु न्यू टू मच, यानी एक व्यक्ति जो बहुत अधिक जानता है। द मैन हु न्यू टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत अधिक जानता था। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इन परस्यूट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड, यानी अपनी महत्वाकांक्षा की स्तर पर उसने काफ़ी कठिन मेहनत की। वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, इसके लिए हमें उससे इसके लिए हमें उसे प्रस्तावना देना था, या इसके लिए हमें उसे प्रोत्साहन देना था। ही बोरोड ट्रेनिंग मेमल्स एंड स्टेड अप लेट एट नाइट रीडिंग देम, उसने प्रशिक्षण की सूची बनाई और देर रात तक इस सूची को पढ़ता रहा। ही बेगर्ड द इंस्ट्रक्टर्स विद क्वेश्चंस, प्रशिक्षकों से उसने सवाल किए। ही ड्रिल्ड विद एंथुसियज्म, बड़े उत्साह के साथ। एंड ऑन रूट मार्च, और रूट पर मार्च की। ही वॉज नॉट ओनली मिरेक्युलसली टायरलेस, वह चमत्कारी रूप से अथक ही नहीं था, बट इन्फ्यूरिटेड अस ऑल विथ हिज हॉरिबल हार्टनेस, बल्कि अपने भयानक हृदय से हम सभी को प्रभावित भी किया। व्हाट अबाउट ए सॉन्ग, एक गीत क्या था। व्हाट अबाउट ए सॉन्ग चेप्स, यानी लड़कों के बारे में गीत क्या था। इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली एट द एंड ऑफ 30 miles, यानी ग्रीटेड पोलाइटली, इस प्रकार से विनम्रता से अभिवादन कर 30 मील की दूरी पर अभिवादन करना। ही सैल्यूट एट द पे टेबल वॉज ए मॉडल टू बिहोल्ड, यानी उसका पे टेबल पर सैल्यूट करना एक मॉडल था। व्हेन ऑफिसर्स वर इन साइट, जब ऑफिसरों की उस पर दृष्टि पड़ती। ही वुड स्विंग हिज स्किनी आर्म्स, तो वह अपनी दुबली पतली बाहों को झुलाने लगता। एंड मार्च टू द कैंटीन लाइक ए गार्ड्समैन, और एक गार्ड की तरह मार्च करता हुआ कैंटीन तक चला जाता। एंड डे इन एंड डे आउट ही लेक्चर्ड टू अस हिज ड्रोनिंग इनॉर्मसली वॉइस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी वह दिन रात अपनी ड्रोनिंग तथा रिमोर्सलेस वॉइस, अपनी स्पष्ट आवाज़ के अंदर हमें मानवीय ज्ञान के पहलुओं के बारे में पूरे दिन भाषण देता रहता। एट फर्स्ट वी हैड ए सर्टेन रेस्पेक्ट फॉर हिम, पहले तो हमने उसे थोड़ा सम्मान दिया। बट सून वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच, लेकिन शीघ्र ही हम उसके आने से भयभीत होने लगे। ही ट्राइड टू हिट बैक एट हिम विथ क्लम्सली स्कार्प्स, हम उसे भद्दी गालियाँ। एंड प्रैक्टिकल जोक्स, और उस पर व्यवहारिक चुटकले कहकर उसका उपहास करने लगे। द प्रोफेसर स्केर्सली नोटिस्ड, प्रोफेसर ने इसे ध्यान से देखा। ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज स्ट्रैप, लेकिन वह अपनी पट्टी का कार्य करने में काफ़ी व्यस्त था। ईच टाइम वन ऑफ अस मेक ए मिस्टेक, हर बार जब हम में से कोई गलती कर देता था, द प्रोफेसर वुड पब्लिसी करेक्ट हिम, तो वह प्रोफेसर उस गलती को ठीक करता था।
Whenever one of us soon, जब हम में से कोई बाहर निकल जाता था, the professor outshone. Whenever one of us soon, जब हम में से कोई चमकता था, we, the professor soon outshone him, तो प्रोफेसर उसे बाहर निकाल देता था. When after a hard morning's work, प्रातःकाल का कठिन कार्य करने के बाद, कठिन कार्य हमारी झोपड़ी की साफ सफाई करने के बाद, वी लिसन इन साइलेंस टू द ओल्डली ऑफिसर्स प्रेज, हमने ओल्डली ऑफिसर की प्रशंसा के बारे में शांति से सुना. द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विथ ए रिंगिंग ड्यूटीफुली बीमिंग प्रोफेसर एक कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहा था. थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी. एंड हाउ सुपीरियर, और वह सुपीरियर, हाउ कंडेंस कैंडिंग ही वाज, वह कितना कर्तव्य निष्ठ था. इट वाज ऑलवेज, यह हमेशा ऐसा ही था. लेट मी शो यू, मुझे आपको दिखाने दो. ओल्ड फेलो, हे साथियों, मुझे आपको दिखाने दो. और नो, या नहीं. यू विल रन योर राइफल दैट वे, ओल्ड मैन, इस तरह से आप अपनी राइफल को बर्बाद कर दोगे. वी यूज टू प्राइड आवर सेल्व्स ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशंस, इस प्रकार एयरक्राफ्ट की मान्यता पर हम सभी को गर्व होता है. वंस आउट फॉर ए वॉक, एक बार जब हम बाहर घूमने के लिए बाहर जाते हैं, वी हियर द ड्रोन ऑफ ए प्लेन, तो हम प्लेन के ड्रोन की आवाज़ सुनते हैं. फ्लाइंग हाई ओवर हेड, जो हमारे सिरों के ऊपर उड़ रहा है. नन ऑफ अस कुड इवन सी इट इन द प्लेन ग्लेयर ऑफ द सन, सूर्य की धूप में हम में से कोई भी इसे नहीं देख सकता था. विदाउट इवन ए ग्लेंस अपवर्ड द प्रोफेसर अनाउंस्ड, प्रोफेसर ने बिना ऊपर देखे हुए, उसने प्रोफेसर ने कहा, दैट ऑफ कोर्स इज ए नॉर्थ अमेरिकन हॉरवर्ड ट्रेनर, यह अवश्य ही उत्तरी अमेरिका का हॉरवर्ड ट्रेनर है, यानी उत्तरी अमेरिका का प्लेन है. इट कैन बी अनमिस्टेकेबली आइडेंटिफाइड बाय द हॉर्स इंजन नोट, यानी बिना कोई गलती किए हुए वह इससे बड़ी इस कठोर इंजन को आसानी से पहचान सकता था. ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, जो हमारे सिरों के ऊपर से, हमारे ऊपर से काफ़ी तेज गति से उड़ रहा था. व्हाट वुड ए गैंग ऑफ लोटस लाइक अस डू विथ ए मैन लाइक दैट, क्या हम सभी में से कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिस प्रकार से प्रोफेसर कर रहा था. नन ऑफ अस विल एवर फॉरगेट द रोजी समर आफ्टरनून, इस प्रकार से दोपहर की गर्मी के अंदर हम सभी को ये याद नहीं था, हम सभी भूल गए थे. विच वॉज सच ए ट्रेनिंग पॉइंट इन द प्रोफेसर्स लाइफ, कि प्रोफेसर के जीवन में यह ट्रेनिंग पॉइंट कितना महत्वपूर्ण था. वी वर स्प्रॉलिंग कंटेंटेडली ऑन द वार्म ग्रास, हम गर्म घास के ऊपर विचरण कर रहे थे. वाइल कॉर्पोरल टर्नबुल वाज टेकिंग लेसन ऑन द हैंड ग्रेनेड, जबकि कॉर्पोरल टर्नबुल हथगोला फेंकने का लेसन ले रहा था, पाठ पढ़ रहा था. कॉर्पोरल टर्नबुल वाज ए यंग मैन, कॉर्पोरल टर्नबुल एक युवा व्यक्ति था. बट ही वाज नॉट ए मैन, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं था. टू बी टेरिफाइड विथ, कि वह भयभीत हो. ही हैड कम बैक फ्रॉम डनकिर्क, वह डनकिर्क से आया था. विथ ऑल हिज इक्विपमेंट करेक्ट, उसके सारे उपकरण बिल्कुल सही थे. एंड अकाउंटेड फॉर एंड हिज पेट किटन इन हिज पॉकेट, और उसका पालतू जो पशु था, जानवर था, वह उसकी जेब में था. ही वॉज अवर हीरो, वह हमारा हीरो था. एंड वी यूज टू टेल ईच अदर, और हम एक दूसरे को कहा करते थे,
दैट ही वॉज सो टफ कि वह इतना कठोर था दैट यू कुड हैमर नेल्स इन टू हिम कि तुम उसके नाखूनों को काट सकते थे विदाउट हिज नोटिसिंग इट उसके उसे ध्यान दिए बिना. द आउटसाइड ऑफ ग्रेनेड हथगुलों के बाहर की तरफ एज यू कैन सी जैसा कि तुम देख सकते हो कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज सेइंग कॉर्पोरल टर्नबुल कह रहे थे इज डिवाइडेड अप इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स टू असिस्ट सेगमेंट यानी इन हथगोलों को विभाजित किया गया है आगे कल पढ़ाएंगे.